हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पार्टनरशिप। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा हम लोग एग्ज़ाम टाइम वगैरह में काफ़ी लाइव सेशंस करते हैं, अच्छे से करते हैं ताकि चीज़ें समझ आए। उसके अलावा कोई भी डाउट सजेशंस वगैरह कुछ भी हो तो वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वरना आप लोग हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब हम पार्टनरशिप के साथ। पार्टनरशिप का सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, फिर हम इसका डिटेल में जाएंगे कि देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप आया कहाँ से, पार्टनरशिप की क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, इसका लीगल प्रोसीजर क्या है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा मोर देन टू पर्सन्स आर एसोसिएटेड टू रन अ बिजनेस। आसान शब्दों में जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में आते हैं बिजनेस करने के लिए विथ अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, तब उसे पार्टनरशिप बोल दिया जाता है। देखो, पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस की हो, पार्टनरशिप नॉर्मल भी होती है, लाइक जो वेडिंग वगैरह भी होती है वो भी एक तरीके की पार्टनरशिप ही है। बट क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू बिजनेस रखूँगा अपने पूरे लेक्चर में। जो पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप में जो ये दो या दो से ज़्यादा जने आए इन सबको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ज़रूरी नहीं होता, लाइक कंपलसरी नहीं है, बल्कि वो हमारी विल के ऊपर है कि हम वो रजिस्ट्रेशन अपनी फर्म का करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। पार्टनरशिप जो है वो हमेशा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली गवर्न किया जाता है। लाइक जितने भी डिसीजन होंगे कैपिटल वगैरह के, अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाते हैं तो सारा हम लोग इंडियन पार्टनरशिप लॉ या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे उसको फॉलो किया जाएगा। अब देखो, पार्टनरशिप तो हमने समझ लिया क्या है, अब इसके हम लोग सबसे पहले फीचर्स वगैरह देखते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स में सबसे पहला आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स मेरे को ये बोलता है पार्टनरशिप हमेशा एक से ज़्यादा लोगों में होगी, कभी भी इंडिविजुअल में नहीं होगी। उसके अलावा इसमें एक अपर लिमिट भी फिक्स करी गई है कि अगर मेरा कोई बैंकिंग बिजनेस होगा उसमें मैक्सिमम 10 पार्टनर्स अलाउ होते हैं, एंड लाइक उसके अलावा अगर मैं कोई भी और बिजनेस करूँगा तो उसमें अपर लिमिट 20 है। अगर मैं इससे ज़्यादा ले जाता हूँ तो मेरी पार्टनरशिप नहीं रहेगी, मेरे को एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म करनी पड़ेगी या जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाना पड़ेगा, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो दो वर्ड से बना है, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ अबाइड कर रहा है उसको, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। इसमें बेसिकली जो भी मेरे पार्टनर्स वगैरह हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए एक दूसरे के साथ, जो भी उन्होंने आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है वो सब उनको फॉलो ही करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, ये एक एग्रीमेंट है जो रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। रिटन कैसे, उन्होंने मान लो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया तो रिटर्न हो गया। वर्बल कैसे, जैसे कि आप और आपका कोई फ्रेंड कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं साथ में, तो अगर उसमें लॉस हो जाता है तो इम्प्लाइड है कि आपस में लॉस दोनों बांटोगे ही बांटोगे, तो वो चीज़ हो जाएगी। इसके बाद तीसरा आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ज़रूरी नहीं होता पार्टनरशिप में कि लाइक हमेशा इक्वली डिवाइड हो, जो भी रेशियो वगैरह सारे पार्टनर्स ने एग्री किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिवाइड कर सकते हैं। चौथा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में भी मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि बाय चांस बिजनेस में कुछ तुम्हारा पार्टनरशिप में लॉस हो भी जाएगा, तुम्हारे पर्सनल एसेट्स एंड तुम पर्सनली भी उसके लिए लायबल होगे। लेकिन इसमें एक केस है, एक जगह इसमें एलएलपी का एक एक्सेप्शन आता है। एलएलपी होती है मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये बेसिकली एक नई तरह की फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू बनाई जाती है, जिसमें लिमिटेड फंड्स पार्टनर्स डालते हैं एंड वो उसी के लिए सिर्फ लायबल होते हैं। ठीक है, कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है तो हम कर लेते हैं। उसके बाद अगला आता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं। मेरा जो भी पार्टनर है वो बाकी पार्टनर्स की जगह एक्ट कर सकता है एज अ एजेंट,
मतलब बेसिकली जरूरी नहीं कि हर जगह मेरे सारे पार्टनर्स प्रेजेंट हो, इन केस वो एब्सेंट है तो मेरे एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है अगर उसे अलाउ है। कई जगह होता है सबका रहना ज़रूरी है एंड कई जगह अलाउ नहीं करता, बट ऑल दैट डिपेंड्स कि उनके बीच क्या एग्रीमेंट्स हैं एंड उन्होंने कैसी अपनी फर्म बनाई हुई है पार्टनरशिप। छठा, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जो भी मेरा मेरी लाइबिलिटी एसेट्स वगैरह कोई भी चीज़ है, मैं अपनी पार्टनरशिप बेसिकली मैं बात करूँ तो मैं किसी और बंदे पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस मैं अपने सारे पार्टनर से कंसेंट कर लूँ। सपोज करो ए बी एंड सी ने पार्टनरशिप करी हुई है एंड बी अपनी जो पार्टनरशिप है वो डी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बट विदाउट कंसेंटिंग ए एंड बी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लीगल स्टेटस जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था कि लाइक इंडिविजुअल मीन्स प्रोप्राइटर मीन्स द बिजनेस एंड बिजनेस मीन्स अ प्रोप्राइटर, वैसे इसमें पार्टनर मीन्स द फर्म, फर्म मीन्स द पार्टनर, उन दोनों को तुम अलग नहीं करोगे। लॉ में अगर तुम्हारी कंपनी में कोई गलत चीज़ होती है तो वहाँ पे पार्टनर्स ही जिम्मेदार होंगे। एंड इसमें एक और कर लेते हैं, डिसोल्यूशन तभी होगा जब मेरे दोनों पार्टनर एग्री कर जाएंगे एंड लाइक उनकी जितनी भी लाइबिलिटी वगैरह है उसको वो फिनिश कर देते हैं, तभी जाके मैं डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये था अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि लाइक इसकी क्या एडवांटेजेस है एंड इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। अच्छी चीज़ हमेशा पहले देखना अच्छा रहता है। पहला, इजी फॉर्मेशन, इजीली फॉर्म हो जाती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन मैं करवा भी सकता हूँ, नहीं भी करवा सकता, वो एंटायरली पार्टनर्स की चॉइस है। दूसरा, लार्जर रिसोर्सेज। अब देखो इसमें मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जब भी मैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन तीन की चाहे एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो या फीचर हो, तीन चीज़ें लिखूंगा, हर जगह मैं इनको आपस में कंपेयर करता हूँ। जैसे कि अब मेरे को एडवांटेजेस अगर पार्टनरशिप की लिखनी है ना तो मैं सोल प्रोप्राइटर्स को कंपेयर करना चालू कर दूंगा। जब मैंने बोला लार्जर रिसोर्सेज तो इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बंदे हैं, तो एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए, ज़्यादा कैपिटल आ गई। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही इंडिविजुअल था, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक नहीं गया दूसरे ने देख लिया। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अगेन सेम फंडा, वहाँ पे इंडिविजुअल था, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो शेयर हो गया। बेटर मैनेजमेंट, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ज़्यादा दिमाग काम करेंगे, अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी, वो सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के ऊपर। पहली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगेन बिजनेस में लॉस हो गया तो मैं पर्सनली भी उसके लिए लाइबल हूँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ गया। दूसरा, इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ? इंस्टेबिलिटी इसलिए, मान लो मेरे तीन पार्टनर थे, तीन में से एक की डेथ हो गई, अपने आप इंस्टेबिलिटी आ गई। कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया, इंस्टेबिलिटी आ गई वो चीज़। उसके बाद लैक ऑफ हारमनी। लैक ऑफ हारमनी से मेरा मतलब है, जैसे कि एक हम लोगों के हिंदी में कहावत है कि बर्तन होते हैं तो बचते ही हैं। बेसिकली अगर ज़्यादा लोग हैं तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, तो अगर कहीं पे भी कुछ भी डिफरेंसेस आ गए तो अगेन लैक ऑफ हारमनी को लीड करेगा। और आखिरी, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल में यहाँ पे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी से इसको कंपेयर कर देंगे क्योंकि कंपनी पे हम लोग कितनी भी कैपिटल रेज कर सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम लोगों को उतना ही पैसा मिलेगा जितने मेरे पार्टनर्स इसमें पुट करेंगे। तो इसके साथ हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी समझ लिए। अब तक हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के बाद हमने उसके फीचर्स पढ़े, फीचर्स के बाद उसकी एडवांटेजेस देखी, डिसएडवांटेजेस देखी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन का, कि रजिस्ट्रेशन अगर करवाना हो तो कैसे हो एंड किन केसेस में वो डिज़ायरेबल होता है। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए भी सिंपल सा फॉर्म होता है कि लाइक पहले, सबसे पहले मेरे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए। पार्टनर्स एग्री करने के बाद जैसा मेरा पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, उसके अकॉर्डिंग मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना, मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊँगा, रजिस्ट्रार से फॉर्म्स वगैरह लूँगा, जितने भी हैं फॉर्म्स वगैरह भरूंगा एंड लाइक उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि लाइक पार्टनरशिप किन किन लोगों पे है, सारे पार्टनर्स का नाम पता, उसके अलावा उनकी जितनी भी डिटेल्स फॉर्म्स में मांगी जाती है वो सारी अप्लाई करूँगा, फोटोज़ वगैरह फिक्स करूँगा, देन ये फॉर्म रजिस्ट्रार को सबमिट कर दूँगा, देन आगे मैं आगे अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लाइक
पार्टनरशिप करवाने से फ़ायदा क्या रहते हैं, बेनिफिट्स क्या है, तो हम लोग बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फर्म का बेनिफिट, वो कैसे, मेरा किसी भी एक्सटर्नल पार्टी के साथ कोई भी झगड़ा वगैरह या कुछ भी डिस्प्यूट होगा, मैं कोर्ट जा सकता हूँ। कोर्ट का राइट मेरी पार्टनरशिप फर्म को तभी मिलेगा जब वो रजिस्ट्रेशन में आई, क्योंकि जब मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ तभी लॉ के अकॉर्डिंग उसको लाइफ मिली, उससे पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। पार्टनरशिप का मतलब इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल का मतलब पार्टनर्स का मतलब पार्टनरशिप। दूसरा बेनिफिट टू पार्टनर्स, अब बेनिफिट टू पार्टनर्स कहते हैं कैसे हैं वो देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं उनको। इन केस दोनों के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में वो लोग कोर्ट जा सकते हैं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड क्योंकि हर चीज़ पहले ही रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, तो ईजीली कोर्ट अपना फैसला भी दे पाएगा। उसके अलावा उनके कोई भी राइट्स वगैरह अगर वायलेट हो रहे हो तो भी वो कोर्ट को अप्रोच कर पाएंगे। तीसरा इनकमिंग पार्टनर के लिए बेनिफिट्स है, इसमें भी सेम केस जो मैंने बेनिफिट ऑफ पार्टनर्स वाला बताया था कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, इनकमिंग में क्या है, वो जितने भी उसके राइट्स वगैरह होंगे अगर उसको नहीं मिलते कंपनी के अंदर तो कोर्ट को अप्रोच कर पाता है। लास्ट में आउटगोइंग पार्टनर का, आउटगोइंग पार्टनर के यहाँ पे हम लोगों ने दो केसेस देखने हैं, एक या तो बंदे की डेथ हो गई या फिर बंदा रिटायर कर गया। डेथ में मेरा क्या बेनिफिट आया कि सपोज ए और बी दो बंदे थे, वो कोई बिजनेस कर रहे थे, बी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था एंड ए को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, बट बी की डेथ हो गई एंड फर्दर ए को उन एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगा, बट वो उन एक्टिविटीज़ के लायबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्योंकि रजिस्ट्रेशन था एंड बी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था एंड उसकी डेथ हो चुकी है, तो केस वहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरा रिटायरमेंट के ऊपर आता है, रिटायरमेंट में काफ़ी बार चीज़ें होती है कि लाइक एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिटायरमेंट नहीं लेने देता है एंड उसको काफ़ी बिजी रखता है, और उसके अलावा उसको उसके सारी चीज़ें भी नहीं देता, लाइक मे बी उसका कैश हो, रिटायरमेंट फंड वगैरह चीज़ें हो। इस केसेस में भी इंडिविजुअल कोर्ट को अप्रोच कर पाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें और बनता है, अगर नॉन रजिस्ट्रेशन है तो क्या होगा। नॉन रजिस्ट्रेशन का मतलब है मैं कोई भी लीगल एक्शन कहीं पे भी नहीं ले सकता, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट नहीं ले सकता कहीं पर भी, मेरा कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट नहीं ले सकता, फर्म मेरी किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट नहीं ले सकती एंड मैं फर्म को किसी और को पास ऑन भी नहीं कर सकता। ये मेरा नॉन रजिस्ट्रेशन का केस है। आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा कि पार्टनरशिप क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के, नॉन रजिस्ट्रेशन के केस में क्या होता है, ये सारा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक मैंने मिस कर दिया हो तो नीचे मेंशन कर दीजिए, हम लोग पक्का उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डू सब्सक्राइब अस, डू फॉलो अस, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग वहाँ पे करते हैं डिस्कस, bit.ly/ct_whatsapp। उसके अलावा हम लोगों की वेबसाइट है जहाँ पे सारे नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो जस्ट कीप फॉलोइंग अस एंड कीप लाइकिंग अस। थैंक यू।